बस भोपाल ले चलते हैं आपको, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस अपने फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन में कसावट करेगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं भोपाल से। कांग्रेस अपने फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन में कसावट करेगी। युवा और महिला कांग्रेस सेवा दल में सर्जरी हो सकती है। फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के प्रदेश अध्यक्षों की बैठक बुलाई गई है। 11 बजे PCC में आयोजित होगी ये बैठक। JP अग्रवाल और शोभा ओझा बैठक में शामिल होंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं भोपाल से। कांग्रेस अपने फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन में कसावट करेगी। युवा और महिला कांग्रेस और सेवा दल में सर्जरी हो सकती है। फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के प्रदेश अध्यक्षों की बैठक बुलाई गई है। 11 बजे PCC में बैठक आयोजित होगी और इस बैठक में JP अग्रवाल और शोभा ओझा भी शामिल होंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं भोपाल से। कांग्रेस अपने फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन में कसावट करेगी। युवा और महिला कांग्रेस और सेवा दल में सर्जरी हो सकती है। फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के प्रदेश अध्यक्षों की बैठक बुलाई गई है। 11 बजे PCC में ये बैठक आयोजित होगी, जिसमें JP अग्रवाल और शोभा ओझा शामिल होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दिनेश शुक्ल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश, क्या जानकारी है इस मामले में, बताएं। देखिए, मध्य प्रदेश में 2023 की तैयारियों में जुटी कांग्रेस अब जो है पूरी तरह तैयारी लगी हुई है और आज से विधानसभा सत्र मध्य प्रदेश में शुरू हो रहा है। वहीं आज कांग्रेस जो है अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है, महिला कांग्रेस हो, यूथ कांग्रेस हो, NSUI हो, इनकी एक बैठक लेने वाली है। हाल ही में शोभा ओझा, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला कांग्रेस की रही है और मध्य प्रदेश में मीडिया प्रभारी भी रही है, जब 2018 में उनकी सरकार बनी थी तो उन्हें प्रभार दिया गया है इन ऑर्गेनाइजेशनों का, और यही कारण है कि अब वो सभी ऑर्गेनाइजेशनों की बैठक लेकर ये सुनिश्चित करना चाहती हैं कि मिशन 2023 के मैदान में कैसे उतरा जाए और क्या क्या काम किया जाए और कैसे इसको संचालित किया जाए, जिससे कि 2023 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन सके। और बने रहिए आप हमारे साथ। और क्या चलिए रुक कर